फैसला लेना ही पड़ेगा, या तो इस घर में मैं रहूं। ऋषि कुमार, इससे पहले कि तुम कोई भी फैसला लो, मेरी बात सुन। तुम जा सकती हो सुबह। एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे रिश्ते को तोड़ देना, ये कहां की समझदारी है? सुबह को अपना समझते ही नहीं। जरा भी अक्ल है तुम्हारे में? दिमाग है तुम्हें? बिना बताए चली गई। तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, मुझे तो है। जान लेके ही दम लेगी ये सुबह। क्या जरूरत थी उसे वापस आने की? अच्छी खासी में शादी में जाने की तैयारियां कर रही थी, अब उसे भी साथ लेके जाना पड़ेगा। कुछ कर इला, कुछ कर, वरना मायके वालों के सामने ना नाक कट जाएगी तेरी। इला बाओ, कहाँ हो तुम? मम्मी जी की हेल्प लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, यहीं पर हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। ये लो बेटा, ये कुछ सेट्स है, मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर हम सुबह को ये शादी में ना लेके जाए तो नहीं चलेगा क्या? क्या हुआ इला बाओ? सुबह ने माली के सामने तुम्हारी जो इंसल्ट की थी वो उसकी गलती थी। अब जो वो वापस आ गई है तो तुमने जो ऋषि के सामने शर्त लगाई थी उसके लिए वो तुम्हें ताना नहीं मारेगी। मैं हूं ना? ये बात नहीं है मम्मी जी, मेरा तो ना मूड ही ऑफ हो गया है। आप तो जानती है ना मेरे मायके वालों का स्टेटस, हमारा स्टेटस। वहाँ इतने बड़े बड़े VIPs आएंगे मम्मी जी, और वहाँ इस सुबह को लेके जाना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो सही बात है, पर मैं कुछ नहीं जानती मम्मी जी। आपको सुबह को इस शादी में आने से रोकना ही होगा, वरना मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। चाहे फिर मेरा मेरे मायके वालों से हमेशा के लिए रिश्ता ही क्यों ना टूट जाए। समझती क्या है अपने आपको, कितना एटीट्यूड है? मुझसे कह रही है, ऋषि पारेख से कह रही कि मुझसे नहीं पढ़ना है, मुझसे बात नहीं करनी। मैं ही पागल था जो पूरा शहर उसे ढूंढ रहा। सर दर्द कर रहा है बेटा? आ, मैं दवा देती हूं। थोड़ा हेडेक भी है और फीवरिश भी फील कर रहा हूँ। अरे बाप रे, हाँ तो मैं डॉक्टर को बुला लूँ क्या? ओ, सिर्फ फीवरिश फील कर रहा हूँ, ना ही फीवर आया ना ही आएगा। थोड़ी देर रेस्ट करूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। तू आज ना अच्छे से आराम कर ले, कल हम सब लोग एक साथ बाहर निकलेंगे। वो इला के मैके में शादी है ना, वहां जाएंगे। शादी? नहीं मॉम, प्लीज ऐसा जुर्म मत करो मेरे साथ। अरे ऐसा कौन सा जुर्म कर रही हूँ मैं तेरे पे? और देख, शादी तो दूल्हा दुल्हन के लिए सबसे खुशी का दिन होता है ना। आई नो मॉम, पर उनके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं जानता हूँ मैं वहां जाऊंगा ना तो मुझसे यही सवाल पूछे जाएंगे, क्या हुआ तुम्हारी शादी क्यों टूट गई? अच्छा बताओ ना, आगे आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? नहीं मॉम प्लीज। लोगों के डर से बाहर ना निकले ऐसा तो मेरा ऋषि नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। तू कल शादी में आएगा, आएगा ना? हाँ मम्मी, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस कौन सी साड़ी पहनूं ये डिसाइड करना बाकी है। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या बात है बेटा, सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? हाँ मम्मी, मैं आपको कॉल करती। जी लाडू बाप, तैयारियां तो हो गई सारी, बस वही डिसाइड करी थी कि कल फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनूं। सबसे अच्छी साड़ी पहनना। अच्छा एक काम करो इला बेटा, एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर सुबह के लिए भी दे दो। सुबह के लिए? क्यों? ये भी शादी में हमारे साथ जाएगी, ऐसे सादे कपड़े पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ लाडू बाप, क्यों नहीं, मेरे पास तो कितनी सारी साड़ियां हैं, अभी देती हूँ। वैसे भी मेरे मायके में ना बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, और उनके सामने अगर ये सुबह ऐसे कपड़ों में आएगी तो ये लोग इसे
हमारे घर की नौकरानी समझ बैठे तो। इला सुबह मैं तुम्हें ना साड़ी दिखाती हूँ, ये वाली नहीं, एक सेकेंड, ये वाली, ये वाली अच्छी रहेगी, है ना लाडूबा? पर लाडूबा मैं बस सोच रही थी कि अगर फंक्शन में लोग हमसे पूछेंगे कि हमारी कौन लगती है तो हम क्या कहेंगे, मतलब हमारी बहू, बेटी, फ्रेंड या फिर कुछ और ही। अरे सुबह ये साड़ी तो लेती जाओ। रहने दो इला, वैसे भी साड़ी मांगने सुबह नहीं आई थी, मैं आई थी। अरे लाडूबाप, लाडूबाप ये सब बुरा मत मानिए, मैंने तो एक सीधा सा सवाल पूछा था। तुम्हारे सीधे से सवाल का सीधा जवाब मैं तुम्हें देती हूँ, सोच समझ कर बात किया करो। माना कि जबान में हड्डी नहीं होती। लाडूबाप चलो, अच्छा हुआ आप लोग शादी में जल्दी पहुंच गए। अच्छा मॉम से बताइएगा कि मेरा सिर दर्द एकदम ठीक हो गया है ना, तो टेंशन ना ले। ऑल राइट दादू, बाय, एंजॉय। फील सो गुड जब घर पे कोई ना हो। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर फ्रेश होकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आवाज कहां से आ रही? शादी में नहीं गई? तुम यहाँ शादी में नहीं गए? मतलब पूरा दिन इस घर में तुम्हारे साथ, वो भी अकेले? मतलब पूरा दिन इस घर में तुम्हारे साथ, वो भी अकेले? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो गिल्ली डंडा खेल रही थी। गिल्ली डंडा घर के अंदर? बाहर धूप है। तो यहाँ कुछ टूट जाता तो? सुबली का निशाना कभी नहीं चूकता। अच्छा तो एक ग्लास कैसे टूटा? मेरा निशाना एकदम सही था, वो ग्लास बीच में आ गया। गॉड, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। तो मुझे भी तुमसे कोई बात करने का शौक नहीं है। आ तो साइलेंट मोड पे चली जाओ ना, शांति रखो। इसे कोई जाकर समझाए कि इस घर में अगर सबसे बड़ी अशांति कोई है ना तो ये खुद है। क्या? इतना नहीं पता? A के बाद B, C, D, E, A, G, H आता है। हो क्या सिखाऊं? Shut up. नकचड़े अकड़ू के साथ ऐसे अकेले घर में कितना टाइम निकालना पड़ेगा? पता नहीं टाइम क्या हुआ होगा, कैसे पता करूं? अरे इसके पास तो घड़ी है ना, इसमें देख लेती हूं। समय वगैरह पूछने नहीं आई, मुझे क्या जरूरत है? हाँ तो ऐसी गलत फहमी में रहना भी मत कि तुम पूछोगी और मैं बता भी दूंगा। आश, कोई जरूरत नहीं है बताने की, जिसे बताना था उसने बता दिया। छोटा काटा 10 पर, बड़ा काटा 12 पर, यानी 12 बज रहे हैं।
थैंक यू हाँ घड़ी, जो सही वक्त पर सही वक्त बता दिया। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ पर तो महंगी महंगी घड़ी डालकर घूमते हैं, पर समय बताना नहीं आता उन्हें। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो घड़ी से बात कर रही। अच्छा, मैं भी घड़ी से ही बात कर रहा हूँ। ए बड़ी घड़ी, कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारी टिक टॉक की आवाज सुनकर है ना समय का अंदाजा लगाते। उन्हें जाकर समझाओ कि समय ना सब सुनकर नहीं सिखा जाता, यूं देखना पड़ता है। जैसे अभी मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं। घड़ी भी देखने नहीं आती है। जा जा वे, ये ऐसी महंगी महंगी घड़िया सिर्फ हाथ पर बांधने से कुछ नहीं होता। वक्त है ना वक्त, वो अपना होना चाहिए जो तुम्हारा नहीं है। अगर होता ना तो इस वक्त तुम यहां नहीं होते, चले गए होते लंदन। सच है, देखा तो सुबली ने अभी अभी कहा ना, वो सच है। नासपीटा अंग्रेजिया, पता नहीं खुद को क्या समझता है। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को बड़ा स्मार्ट समझने लग गया। मुझे कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। घड़ी ऐसे सुन के नहीं सीखी जाती। अरे तुझे क्या पता, सुबली ने अपनी जिंदगी में ना लोगों को बदलते हुए देखा है, टेम को बदलते हुए देखा है। पराये उसे प्यार पाया है और अपनों ने धोखा दिया है। पर इसे क्या, बस बोलना है। दिन में 24 घंटे पड़े हैं ना, तो बोलो पढ़ो सीखो। और मैं क्या करूं? हाँ, पूरे दिन ये बताती रहूं, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने वो पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, ये। अरे वाह, ढोकला, समोसा, मन तो कर रहा है कि ये सारी चीजें अभी खा जाऊं। भूख भी तो लगी है ना, पर पता नहीं इस घर में सारी चीजें कहां रखी है। अगर रसोड़े में जाऊंगी तो अंग्रेज बाहर ही बैठा है, हजार सवाल पूछेगा। उससे सर फुड़वाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी मर जाऊं। भूख तो लगी है, कहीं से तो खाना मिल जाए। एक कल पेठा देखो कैसे कबागब खा रहा है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, क्या करूं? बात कर लेती हूँ जाके। देखो कैसे कबागब खा रहा है। ये नहीं किस घर में और भी कोई जिंदा इंसान रहता है, उसे भी भूख लग सकती है, तो एक बार पूछ ले। पर नहीं, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, क्या करूं? बात कर लेती हूँ जाके। नहीं, जाऊंगी तो पढ़ो बोल बोल के दिमाग का दही कर देगा। उससे अच्छा है यही बैठ जाती हूँ, वो खाने की तस्वीर याद करती हूँ। हाँ, भूख लगी है। ठीक है, नहीं
अब तो सुबली को भूखे पेट भजन ही करना पड़ेगा। अगर खाने का मन हो ना तो तुम्हारे लिए भी रखा है। पीटा इतना भी एकल पीटा नहीं है, नहीं मेरे लिए भी रख कर गया है। पर ये है क्या? लंबी लंबी सेव लग रही है, पर इसे खाते कैसे हैं? नहीं, अगर ऋषि कुमार ने इसे खाया है शेम टू शेम, अच्छा ही होगा। पर वैसे भी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं भी खा ही लेती हूं। पर कैसे? मैं क्या करूं, ना खाने का ढंग है ना सीखने की चाहत। ओ, मेरा फोन, मैं बाहर ही भूल गया था। थैंक। अचानक ठंड क्यों लगने लगी? कहीं बुखार ना हो जाए। पेट भर गया। ये अंग्रेजी सेव थी बड़ी मसालेदार। अरे ऋषि कुमार का फोन तो यहीं पे रह गया, जाकर देखकर आती हूं। अंदर आ जाओ। अरे अंदर आ जाओ। क्या है? ओ, मेरा फोन, मैं बाहर ही भूल गया था। थैंक। खड़ूस, एक नंबर का खड़ूस। इतना मैंने फोन लाकर दिया तो मुंह से थैंकू तक नहीं फूटा, हाथ जोड़ के ऐसे कर दिया। मुझे भी कोई उपकार नहीं रखना इसका। वो खिलाए ना विदेशी लंबी लंबी सेव। ठीक है, मैं भी अब बिना कुछ बोले ऐसे करके आ जाती। हाँ दादी, तेरी ठीक से लग नहीं रहा है कि तेरी तबीयत ठीक है? नहीं, सरदर्द और बढ़ गया है क्या? नहीं दादू, सरदर्द तो चले गया, पर पता नहीं अचानक ठंड लग रही है।
और फीवर जैसा फील हो रहा है। लग रही है, फीवर महसूस हो रहा है। तो बेटा फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करो। नहीं दादाजी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, और वैसे भी सुबह घर पे, उसे अकेली कहाँ छोड़कर जाऊँ। देखो बेटा, तबीयत अगर और खराब हो जाए तो डॉक्टर को घर पर बुला लेना, और हाँ मैं तुम्हें रेगुलर फोन करता रहूंगा। हाँ हाँ दादू, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, बाय। बातों से लग नहीं रहा है कि इसकी तबीयत ठीक है, घर में सुबह के सिवा उसका ख्याल रखने वाला कोई और नहीं। झूठा है, झूठा एक नंबर का। देखो तो एक बार छींकने से उसको लगता है कि दादाजी को लग जाएगा कि मेरा ऋषि तो कितना बीमार है, और इतनी बीमारी में भी सुबह को संभाल रहा है। कुछ भी तो नहीं हुआ है, नाटक कर रहा है नाटक। अच्छा खासा तो फोन पे बात कर रहा है। ऋषि कुमार, हेलो। सुबह बेटा, दादाजी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना दादाजी। दादाजी अभी अभी आपने ऋषि कुमार से बात की ना। हाँ बेटा, लेकिन मैं उससे बताना भूल गया कि उसके रूम के ड्रॉअर में उसकी बुखार की दवाई रखी हुई है। मैंने जब उसे दोबारा फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है बेटा वो सो गया होगा। बेटा तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ दादाजी बोलिए। तू ऋषि के कमरे में जाकर उसे बुखार की दवाई दे दे। उसकी बातों से लग रहा है कि उसका बुखार और बढ़ रहा है। वैसे बेटा मैं भी यहाँ से जल्द निकलकर घर पहुँच जाऊँगा। जी दादाजी। दादाजी तो ठीक कह रहे थे, ऋषि कुमार तो सच में सो गया है। ये माड़ी, इतना बुखार। दादाजी ने कहा था दवाई दे देना, कमरे में कहीं पे रखी है। ये रिश्ता है धारदार, तकरार में है जीत हार। ये रिश्ता है धारदार, तकरार में है जीत हार। प्यार में भी एक बार नोक झोंक मजेदार। किस्मत ने क्या सजाई मेहंदी भरी हथेली, ना जाने जिंदगी में कितनी और पहेली। हल पहेली कहानी प्यार की, हल पहेली प्यार की। मेरे नानू की मौत की जिम्मेदार तुम हो। नहीं, तुम्हारे नानू मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से मरे। उन्हें चिंता 2 लाख रुपए की नहीं थी, उन्हें चिंता तुम्हारी थी। ना तुम पढ़ी लिखी हो, ना घर का काम करती हो, बस पूरा टाइम झगड़ती फिरती हो। यही चिंता उन्हें खा गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।